Damini, we are here to discuss the current affairs of 17 March 2021. First topic is India-Japan Space Ties Bilateral Meeting between ISRO and Japan Aerospace Exploration Agency JAXA was held virtually. ISRO और JAXA के बीच में ये हुई थी held. Both space agencies reviewed cooperation in Earth observation, lunar cooperation and satellite navigation. दोनों agencies ने review किया cooperation को Earth observation में, lunar cooperation and satellite navigation. They also agreed to explore opportunities for cooperation in space situational awareness and professional exchange program. उन्हें एग्री किया कि एक्सप्लोर करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ कॉपरेशन इन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम. बोट एजेंसी साइज दोनों ने साइन किया इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट कोलेबरेटिव एक्टिविटीज़ किसके लिए, राइस क्रॉप एरिया एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यूजिंग सैटेलाइट डेटा. Linking of OTPRMS certificates with DigiLocker. Union Education Minister announced करता है link करने के लिए OTPRMS certificate DigiLocker के साथ with complete waiver. जो waiver करेंगे मतलब पूरा registration fee को माफ़ कर दिया जाएगा. The Ministry of Education has decided to link online teacher pupil registration management system. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिसाइड किया कि वो ऑनलाइन टीचर पीपल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट विद डिजी लॉकर क्या करेंगे, एंश्योर करेंगे हैसल फ्री एक्सेस. द इशू सर्टिफिकेट विद ऑटोमेटिकली बी ट्रांसफर टू डिजी लॉकर एंड द सेम मे बी ट्रेस एट द वेबसाइट द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन. इशू करेंगे सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करेंगे डिजी लॉकर और सेम वे ट्रेस करेंगे वेबसाइट नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन. रजिस्ट्रेशन फी 200 पेबल क्या ऑब्टेनिंग OTPRMS सर्टिफिकेट इशू करेगा NCTE वेव्ड ऑफ. दिस विल इनेबल ऑल स्टेक होल्डर पूरे स्टेक होल्डर को इनेबल करेंगे अक्रॉस इंडिया डिजिटली एम्पावर किया जाए फैसिलिटीज ऑफ डूइंग बिजनेस. ग्रेट इंडियन बस्टर सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड टू एग्जामिन ऑन प्रायोरिटी बेसिस वेदर ओवरहेड पावर केबल्स इन नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन राजस्थान एंड गुजरात कैन बी रिप्लेस विद अंडरग्राउंड वंस टू सेव दीज बर्ड. अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो एग्जामिन करेंगे प्रायोरिटी बेस पे कि जो ओवरहेड पावर केबल्स एंड नेचुरल हैबिटेट्स के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान और गुजरात उसको रिप्लेस किया जाए अंडरग्राउंड वंस टू सेव दीज बर्ड्स. बर्ड्स आर फॉलोइंग दैट बर्ड्स की डेथ होती जा रही है कोलाइडिंग पावर लाइन से टकराने से रनिंग थ्रू डियर ड्विंडलिंग नेशनल हैबिटेट्स. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN क्रिटिकल या एंडेंजर्ड है शेड्यूल 1 है WPA में आइडेंटिफाई किया जाएगा. स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. प्रोटेक्टेड एरियाज डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान रोलापरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश. जिनोम मैपिंग हुई है इंडियन ओशन प्रोजेक्ट में लॉन्च किसने किया नेशनल इंस्टीट्यूट ओशनोग्राफी NIO. सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि एग्जामिन करेंगे इस इशू के बारे में IUCN क्रिटिकल या एंडेंजर्ड जीनोम मैपिंग इन इंडियन ओशियन रीजन लॉन्च बाय इसको लॉन्च किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO ने. एम क्या है टू रिवील द इंटरनल वर्किंग ऑफ द बॉडी इंटरनल वर्किंग ऑफ द बॉडी को रिवील किया जाएगा ओशियन में द सेलुलर लेवल जिससे समझ सके बायोकेमिस्ट्री एंड रिस्पॉन्स ऑफ द ओशियन टू क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज में क्या रिस्पॉन्स है ओशियन का न्यूट्रिएंट स्ट्रेस इंक्रीजिंग पॉल्यूशन. ड्यूरेशन क्या प्रोजेक्ट का 3 ईयर्स हो लगेंगे. जीनोम मैपिंग क्या होता है जीनोम रिफर्स टू एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट अ सेट ऑफ DNA. जीनोम मतलब ऑर्गेनिज्म पूरा सेट होता है DNA का जिसमें इंक्लूड होते पूरे जीन्स एंड मैपिंग. डी जीन सिंपली मीन्स लोकेशन जी जीन्स क्रोमोसोम एंड जीनोम मैपिंग एसेंशियल है. जीनोम मैपिंग क्यों जरूरी है फिगर आउट करना लोकेशन को स्पेसिफिक जीन पर्टिकुलर रीजन में क्रोमोसोम एंड डिटरमाइनिंग द लोकेशन रिलेटिव डिस्टेंसेज अदर जीन्स ऑन द क्रोमोसोम. विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ सुल्तानगंज कहालगंज ऑन गंगा इन बिहार इज ओनली डॉल्फिन यही सिर्फ डॉल्फिन सेंचुरी है कंट्री में. एक्सपर्ट्स हैव पेग्ड इट पॉपुलेशन अदर गेंजेस जो गेंजेस डॉल्फिन है 150 से 200 हुई है. इट वॉज डिजिग्नेटेड एज प्रोटेक्टेड है प्रोटेक्टेड है डेजिग्नेट किया गया है एंडेंजर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन 1991. प्रोजेक्ट रिहैब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC हैज लॉन्च ने से लॉन्च किया यूनिक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट रिहैब मतलब रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज. ये हमने उस दिन भी किया था अपना कल. द प्रोजेक्ट एम क्रिएट करेगा बी फेंसेस बनाएगा ह्यूमन डेवलप एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए कहाँ पे लॉन्च हुआ है पायलट फॉर नागरहोल नेशनल पार्क. प्रोजेक्ट लॉन्च सबमिशन है निशानी हनी मिशन का.
ये नागरोल की आप लोकेशन देख लीजिए, नेशनल एनिमेशन KYC ने किया है, ठीक है। खादी विलेड इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करेगा सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, इनकम देगा रूरल अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ को, कंजर्व करेगा हनी बी हैबिटेट को जिससे वो टैपिंग और अनटैप नेचुरल रिसोर्स है, प्रमोट करेगा बी कीपिंग जिससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़े, पॉलिनेशन सर्विसेज एवेन्यू बी कीपर्स एंड फार्मर्स। KYC का स्टैचुअरी बॉडी है अंदर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956, चार्ज प्लानिंग प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट किसका, खादी एंड अदर विलेज इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज कोऑर्डिनेशन एजेंसी, रूरल डेवलपमेंट जहाँ पे जरूरी हो। किसके अंदर काम करेगा, माइक्रो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट इज ग्रेट इंडियन बस्टर, सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड टू एग्जामिन प्रायोरिटी बेस पे क्या कनेशा हैबिट इसके बारे में करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट ग्रेट इंडिया बस्टर्ड का इसके पहले तो कवर था, क्या किया राजस्थान में आइडेंटिफाई किया फेंसिंग ऑफ बस्टर्ड ब्रीडिंग ग्राउंड्स जिसे प्रोटेक्टेड एरियाज में प्रोवाइड करेंगे सिक्योर ब्रीडिंग, थ्रेट किस लिए लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, कोलिजन इलेक्ट्रोक्शन विद पावर मिशन माइनिंग ट्रिब्यून्स। सिप्री रिपोर्ट स्वेडिश थिंक थैंक है स्टॉकहोम का, ये भी पता उन्होंने रिलीज किया है इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट, आर्म्स वाला सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है सऊदी अरेबिया के बाद। भावना, कांग्रेस इन आसाम हैज ट्विक्ड भावना फॉर स्टेटमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप एक्ट एंड द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। कांग्रेस जो आसाम में उन्हें ट्विक किया है कि भावना स्टेटमेंट किसके खिलाफ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। भावना क्या ड्रामेटिक फॉर्म है एंटरटेनमेंट का, कन्वे करेगा स्पिरिचुअलिज्म वैष्णव मोल्ड, इट इज़ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन किसका, अनकिया नाट आसाम का, इट वॉज क्रिएटेड बाय सेंट श्रीमंत, श्रीमंत सेंट ने क्रिएट किया था संक्रा दे 5 सेंचुरी अगो। भावना क्या कल्चरल ग्लिम्स है, ग्लिम्स है आसाम बंगाल उड़ीसा मथुरा एंड वृंदावन का। सूत्राधार क्या है, नरेटर जिसने स्टोरी को बिगिन किया था फर्स्ट संस्कृत में एंड देन ब्रज बोली और आसामीज में। शंकर देव क्या है, शंकर देव ने इनके प्रोज लिखे हुए संस्कृत बाद में उसको यूज़ किया गया आसामीज में एंड ब्रजवाली डेवलप करने के लिए आर्ट फॉर्म्स। भावना क्या है माइटोलॉजी बेस्ड थिएटर परफॉर्मेंस है, बोर गीत एक न्यू फॉर्म है स्पिरिचुअल म्यूजिक का, मोनास्टिक डांसेस क्या इन्वॉल्व एज क्लासिकल सत्रीय बोला जाता है डांस विच मीडियम फॉर प्रोपोगेशन ऑफ वैष्णव फेथ। गुरु चेमन छेरी कुनहीरमन नायर, गुरु चेमन छेरी कुनहीरमन नायर क्या रेसिपेंट है पद्मश्री के जो जो एक्सपायर हो गए किस एज में एट द एज ऑफ 104। चिरमन चेरी कुनीमन नायर क्या है, इनको नोटेड इंडियन कथकली एक्टर है, कथकली मेजर फॉर्म है क्लासिकल इंडियन डांस फ्रॉम केरला ही प्लेड, उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया भारतनाट्यम को पॉपुलर बनाने के लिए नॉर्थ केरल में। ई स्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन नेम भारतीय नाट्य कलायम एट कन्नौर, उन्होंने क्या किया एक इंस्टीट्यूशन बनाया भारतीय नाट्य कलायम एट कन्नौर 1945 में, लेटर ही स्टेब्लिश अनदर स्कूल, दूसरा स्कूल क्या उन्हें चेलिया कथकली विद्यालय 1983 में। गुरु चेमचेरी वॉज अवार्डेड पद्मश्री इनको 2017 में मिला है। कथकली इज़ वन ऑफ दी अमंग 8 क्लासिकल डांसेज, 8 क्लासिकल डांसेज में से एक है, इट इज़ ब्लैंड ऑफ डांस म्यूजिक एक्टिंग का है, डांस इन्वॉल्व इसमें ड्रामेटाइजेशन है, स्टोरीज एडेप्टेड मोस्टली का इंडियन एपिक से, द रोल जनरली रोल कैसा किंग गॉड डायमंड से रोल प्ले किए जाते, वोकेलिस्ट नरेट वोकेलिस्ट को नरेट करते लीजेंट प्ले को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। कथकली में क्या इन्वॉल्व है, यूज़ ऑफ हैवी मेकअप स्टनिंग एंड कॉस्ट्यूम्स, एलैबोरेट मास्क ह्यूज स्कर्ट्स बिग हेड ड्रेसेज यूज़ किया जाता है, डिफरेंट फेशियल अलग अलग फेशियल कलर यूज़ किया जाता है किस लिए इंडिकेट करे अलग डिफरेंट मेंटल कैरेक्टर, ग्रीन नोबिलिटी के लिए, ब्लैक विग्डनेस के लिए, रेड पैचेस कंबाइन करता है रॉयल्टी इवन ईविल को भी। ओके फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट।